हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी कॉन्वो। आज मेरे को पता है ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद आप लोगों के लिए फैक्ट वाली वीडियो एक और वापस आ चुकी है। ये पिछले 2 हफ्ते से क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए कंटेंट लाने के लिए, मतलब फैक्ट के अलावा जो कि और इम्पोर्टेंट कंटेंट था जो आप लोगों को मैं बताना चाहता था, वो मेरे को लगा आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी लाना वो वाला कंटेंट है। तो इसीलिए मैं कोई फैक्ट वाली वीडियो आप लोगों के लिए लेके नहीं आ पाया, बट आज फैक्ट वाली वीडियो एक और वापस आ चुकी है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ जियो के कुछ फैक्ट्स के बारे में। हाँ, रिलायंस जियो के फैक्ट्स के बारे में। ऑलमोस्ट मैक्सिमम इंडियंस का जो सेम है रिलायंस जियो है, मेरा खुद का एक सेम रिलायंस जियो है जो कि मेरे स्मार्टफोन में नोट 7 में डला हुआ है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, चलो फटाफट करते हैं टेक कॉन्वो की ये वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। तो जो सबसे पहला जो फैक्ट है, क्या आप लोगों को पता है रिलायंस जियो कब फाउंड हुआ था? हाँ, रिलायंस जियो फाउंड हुआ था सितंबर 5, 2016 को, बट लॉन्च होने से पहले इसकी क्या हिस्ट्री है रिलायंस जियो के फाउंड होने से पहले की, कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे मुकेश अंबानी को आईडिया आया, क्या कभी ये सोचा है? यही बताता हूं मैं आपको। रिलायंस ने 2010 जून के मंथ में इन्फोटेल नाम की एक ब्रॉडबैंड कंपनी थी जिसको रिलायंस ने परचेज कर लिया था 4800 करोड़ में रुपीस 4800 करोड़ में रिलायंस ने इस कंपनी को खरीद लिया था। और क्यों खरीदा था, इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि 2010 में यही एक कंपनी थी जिसके पास 4G सर्विस अवेलेबल थी, जो 4G सर्विस उसने मतलब प्रोवाइड करती थी टोटल 22 इंडिया के जोन्स में, जिसमें से मेजर सिटीज भी थी कुछ। और जनवरी 2013 को ये जो इन्फोटेल कंपनी थी इसका रिलायंस ने नेम चेंज करके रिलायंस इसका नेम रख दिया रिलायंस जियो, इन्फोटेल बन गया रिलायंस जियो जनवरी 2013 को, और सितंबर 5, 2016 को रिलायंस जियो हम कस्टमर्स के पास आ गया, जिसने उसके आदम सबको पता है इसने क्या धमाल मचा दिया रिलायंस ने, सारी कंपनीज का जो रोना निकला वो हमें पता ही है। बट क्या आप लोगों को पता है रिलायंस जियो एक ऐसी कंपनी है जिसके 83 डेज में, हाँ मैं बात कर रहा हूं जिसके 83 डेज में जिसके 50 मिलियन यूजर्स हुए सिर्फ। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं एयरटेल से, एयरटेल को 4380 डेज लगे हैं 50 मिलियन यूजर्स पहुंचने के लिए, और आइडिया वोडाफोन जो कि कंपनी मर्ज्ड है उनको लगे है 4745 डेज 50 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए। ये भी मतलब नंबर का डिफरेंस देख रहे हो, रिलायंस जियो ऐसे हो रहा है सिर्फ अपने ऑफर के से, वो आप सबको पता है। और क्या आप लोगों को पता है मुकेश अंबानी ने इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया था सिर्फ रिलायंस जियो कंपनी निकालने के लिए? गेस कर सकते हो कोई? चलो बोलता हूं मैं, मुकेश अंबानी ने ₹1.5 trillion लगाया था सिर्फ रिलायंस जियो के स्टार्टअप के लिए। मतलब इमेजिन करो ₹1.5 trillion कितना अमाउंट होता है। और क्या आप लोगों को पता है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार्टअप माना जाता है कंपनी का। अमेजिंग है यार ये, इतना पैसा सही है। पर क्या आप लोगों को पता है, क्या आप लोगों ने देखा है रिलायंस का जब भी आप जियो का सिम लेते हो उसके आपको पीछे उसके साथ कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, उन स्टिकर्स क्यों देते हैं, उन स्टिकर्स का मतलब क्या है? कभी रिलायंस जियो के स्टिकर को घुमाना, उल्टा करना या उसको फ्लिप करना, वहां पे आप पढ़ पाओगे ऑयल। ये जो ऑयल है, ऑयल से जियो मतलब रिलायंस, हम सबको पता है इसका जो स्टार्टअप था वो सबसे पहले तेल वगैरह मतलब ऑयल रिफाइनिंग में और पेट्रोल पंप से इसका सबसे पहले स्टार्टअप ये था। तो रिलायंस की ऑयल इंडस्ट्री से लेके टेलीकॉम इंडस्ट्री तक जो जर्नी है वो जियो का सिंबल उस जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। दिमाग लगाए हैं मुकेश अंबानी ने इस कंपनी में, एक लॉजिक निकाल निकाल के ना मुकेश अंबानी ने मतलब जियो कंपनी बनाई थी। सही है, तो बस ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स थे रिलायंस जियो के, ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स थे रिलायंस जियो के, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मतलब जो मेरे को लगे कि आप लोगों तक मेरे को पहुंचानी चाहिए ये फैक्ट्स। तो
तो बस ये थे कुछ फैक्ट्स रिलायंस जियो के बारे में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अमेजिंग वीडियोस लेके आने के लिए। और नीचे कमेंट करके बताओ आप कौन सा सिम यूज करते हो, क्या आप जियो का सिम यूज करते हो कि नहीं। अगर नहीं यूज करते फिर बताओ नीचे आप एयरटेल वोडाफोन आइडिया या कौन सी कंपनी का सिम यूज करते हो, करो नीचे कमेंट, बताओ मेरे को। और इस वीडियो को वायरल कर दो हर वीडियो की तरह, ताकि हर जियो यूजर तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो अपने जो वो सिम यूज करता है उसके फैक्ट्स के बारे में जान पाए। और नीचे कमेंट करके बता दो नेक्स्ट फैक्ट कौन सी वीडियो के बारे में बताते हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक वो फैक्ट कवर कर पाऊं। और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टा टेकी कौन वो, उस पर आईफिल टावर की फोटो जो पोस्ट की है, तो जाओ जाके देखो और सब्सक्राइब कर लो फटाफट मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आती रहती है। और इस बेल आइकन को भी प्रेस करता है, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाओ, मेरी कोई वीडियो मिस ना करो। क्यों? क्योंकि कल आप लोगों के लिए एक अनबॉक्सिंग आने वाली है, तो फटाफट करो सब्सक्राइब। फिलहाल वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पीस।